हेलो गाइस, माय नेम इज डैनियल एंड वेलकम टू डैन ऑन व्हील्स। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टॉलेशन ऑफ मैड डॉग वायर हार्नेस और उसका स्विच का। तो मैंने ऑलरेडी ये और इसका स्विच ले लिया है, तो ये वीडियो में ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, आपको डायरेक्टली बताऊँगा और मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं ऑलरेडी HGG का लाइट लगा लिया है। ये ऑलमोस्ट मैंने कुछ एक या फिर डेढ़ साल पहले लगाया था, लेकिन कैसा है कि इसका जो वायर है अंदर जो लगा हुआ है वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। सो डायरेक्टली जो बैटरी से कनेक्टेड रहता है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है कि बार बार उसका बैटरी ड्रेन हो जाता है और उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। और जैसे कि मैं लाइक ट्रैवलिंग करते रहता हूँ और ये इशू मुझे काफ़ी बार आया, और मैंने ये जो फ्यूज़ भी लाइक लोकली लगाया था वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। लाइक थोड़ा भी पानी जाता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और सो अभी इंस्टॉलेशन के लिए मैं घर से निकल गया हूँ। सो यहाँ से मैं जाऊँगा वसई ईस्ट में, वहाँ पे मोटोमोंग का वर्कशॉप है, और मोटोमोंग के वर्कशॉप से ही मैंने वायर हार्नेस और फ्यूज़ लिया था, जो मुझे 999 और 599 का उसका स्विच पड़ा। अगर मेरी बात मानो तो एक अच्छा वायर हार्नेस और एक स्विच ले लो, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैंने सेम मिस्टेक किया था स्टार्टिंग में, HGG को मैंने डायरेक्टली लगाया। लाइक कोई भी HGG हो या फिर कोई भी एक्सटर्नल लाइट हो, डायरेक्टली मत लगाओ अपने बैटरी से, वरना आगे जाके वायरिंग का और बैटरी का इशू आएगा ही आएगा। और एक चीज़, अगर आप लोकली जब भी आप लाइट्स लगाने को जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको लोग वही बोलेंगे कि कुछ नहीं होगा, लगा लो, लेकिन आगे जाके जब भी इशू आएगा तभी आपको पता चलेगा। उससे अच्छा जब भी आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक ही बार का अच्छा इन्वेस्टमेंट करो लाइट्स, उसका वायर हार्नेस, उसका जो स्विच रहता है उसके ऊपर, क्योंकि बाद में आप जब भी लॉन्ग राइड्स पर जाएंगे तभी आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो अभी मैं लोकेशन पे पहुंच गया ऑलमोस्ट, लाइक वसई ईस्ट मधुबन में जाना है। सो मधुबन के लिए ये एक ही रास्ता है। और राइट, मैं पहुंच तो गया हूँ यहाँ पे वर्कशॉप पे, अभी बस काम दे धनाधन जल्दी हो जाना चाहिए। मैंने कॉल किया था लाइक वो HGG लाइट पे वायर हार्नेस और अपना स्विच। हाँ, मैं लेके आया सब सामान, अब ले लूँ ऊपर, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करने वाले, इसको पूरा निकालेंगे। सही, पूरा ये अंदर से कनेक्टेड रहेगा, यहाँ से कनेक्शन देंगे ना, बैटरी से कनेक्शन देंगे। इसके साथ दूसरा क्या क्या दिया, स्विच ऑफ, स्विच दिखाना है से कुछ स्विच आपको दिखे। दूसरा हुक नहीं है क्या अपने पास? तो यहाँ पे ऐसा मिलेगा, काफ़ी अंदर जाएगा, ऐसे बाहर नहीं लेके आ सकते, थोड़ा सा इंडिकेटर नहीं लगा सकते अपन, इसको घुमा नहीं सकते, ऐसा घुमा सकते ना, तो ये मिरर पे रहेगा, मिरर पे इसका ठीक है, अभी लगा दे टाइमिंग के लिए, देख लेते हैं। देखा लाइक जो वायर का क्वालिटी मैड डॉग ने दिया वो काफ़ी प्रीमियम है, लाइक काफ़ी अच्छा है। अभी लगभग पूरा फिटिंग हो चुका है, बस ज़्यादा कुछ काम नहीं था, जो मेन वायरिंग था उसको सिर्फ हम लोगों ने चेंज कर दिया है। सो अभी अपना बाइक का काम पूरा हो चुका है, और एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ कि लाइट का परफॉर्मेंस कैसा है, ये देखो। कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया होगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले बार अच्छे ब्लॉग्स में, टिल द टाइम बाय बाय।